वो पिताजी इस उम्र में भी बजा रहे, यही बहुत बड़ी बात है। और आशीर्वाद स्वरूप 10 मिनट एकदम प्योर बंगाल का जो चीज़ मुझे उन्होंने सिखाया है भाटियाली, वो पेश करेंगे और मैं उनकी संगत करूंगा। तो मेरे पूज्य पिताजी और गुरु दोनों डॉक्टर भानु मजूमदार को मैं स्टेज में बुलाता हूं। बात ऐसे है, हर देश के एक लोकगीत होते हैं। ये लोकगीत एक ऐसी गीत है, वो कैसे संगीत है जो दिल का उमंग है। वो देश के रहन सहन, वहाँ के जो इंसान का मनोवृत्ति, ये सब उसकी लोकगीत पे जाहिर होता है। पंजाब का, बंगाल का, हर देश का एक लोकगीत होता है। बचपन में हम बांग्लादेश के रहने वाले थे, बचपन में जब नदी के किनारे में घूमते थे, वहाँ के जो नैया है, नाव चलाते थे और भाटियाली बाउल ये सब गाते थे। मैं तो उसमें बहुत छोटा था, पाकिस्तान हुआ उस समय मैं छोटा ही था, लेकिन वो लोकगीत की धूम आज भी हमारे दिमाग में दिल के अंदर गूंजता है। मैं कभी कभी बजाते हैं। आज ये देश के जो हालत है, भगादौड़ी, इंसान का जो जीवन है, इंसान अपनी परंपरा लोकगीत को भूलते जा रहे हैं। तो मैंने अपने बेटे को लोकगीत सिखाया। बंगाल की जो लोकगीत है, भाटियाली है, बाउल है, ये थोड़ा सा अभी तो हमारे दांत नहीं है, बूढ़े हो गए, फिर भी जितना हो सके जितना मैं फूक सका मैं आपको सुनाता हूँ।
अच्छी लोकगीत है जो मल्ला जब गाते थे लाते हैं नदी से लहर घूंघू के सारे बंगाल में छा गए। वो सूर आज तो देखिए हम बूढ़े हो गए, साल बीत गए, लेकिन आज ही काम में गूंजते हैं वही बंगाल की लोकगीत, बंगाल की भाटियाली। ऐसे तो बांग्ला भाषा तो आपको समझ में पड़ेगा नहीं, फिर भी देखिए। ओ या मर दो रो दी अग जलने अग जल ले तो गंगा नौका बसता में ना। ये दर्दी हम जानते हैं, ये तेरा नाव टूटा हुआ है तेरे नाव में नहीं बैठते। ओ या मल्ला गा रहे, मल्ला नाव वाला चला रहे और गा रहे। ओ या दो अग जल ले अग जल ले तो गंगा नौका बसता में ना। अरे गंगा नौका बसता में ना, नदी बसर बैठता में ना। বাংলা নৌকা বাস্তামে না, নদীর বেসাদে বাইতামে না। আরে নবানা দে বাইনার তুই মন দেখা, আরে নবানা দে বাইনার তুই মন দেখা। বাজে তেতলা বাজবে না আগে জানলে, আগে জানলে তো বাংলা নৌকা বাস্তামে না। এই যে দিল কে দর্দ, এই বাঁশ কি বাঁশুরি মে নিকালতা হ্যায়, এই জঙ্গল কি বাঁশ, मामूली बांस भगवान के हाथ में चाह के जब भगवान ने बांस को थमा उस संसार को मोह लिया। इसलिए मैंने अपने बांस को, मैंने बांसुरी सिखाया। हमारे धर्म पत्नी ने हमको बोला, देखो मेरे बेटे को बांसुरी सिखाओ।